हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्जिंग दी माइंड्स। आज हम बात करेंगे कि मिर्च का पौधा हम सीड्स के थ्रू गमले में हम कैसे उगा सकते हैं। तो छोटे छोटे गमलों में भी ये आसानी से उग जाता है। इस पौधे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की भी जरूरत होती है। कोई भी फल सब्जी हम घर में उगाते हैं उनको केयर की जरूरत होती है, इन पे पेस्टिसाइड का अटैक हो जाता है, तो इसीलिए इन पौधों को हमेशा थोड़े थोड़े टाइम पर हमको स्प्रे करते रहना पड़ता है। और ये बहुत ही आसानी से आप इनके सीड्स मार्केट से ले सकते हैं या फिर घर पर जो मिर्च होती है उनके बीज निकालकर भी आप इस तरीके से इस प्लांट को लगा सकते हैं। ये मैंने कुछ घर पर ही सूख गई थी लाल मिर्च, उनको सीड्स को निकाल के उनको स्टोर कर लिया है। और इसके लिए ये जो सीड्स है वो सूखी हुई लेनी है, ग्रीन चिली नहीं लेनी है। तो लाल मिर्च जो सूख जाए उसका बीज आप निकाल कर इस तरीके से आप रख सकते हैं और मिर्च का पौधा आप गमले में आसानी से उगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ज्यादा समय नहीं लेती हूँ और मैं बताती हूँ आपको कि मिर्च का पौधा हम किस तरीके से उगाएंगे। तो हम इसमें लेंगे गार्डन सॉइल, थोड़ा सा इसमें सैंड लेंगे। सैंड अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप इसमें आप कोकोपीट ले सकते हैं। और कोकोपीट के साथ इसमें मैंने 2-3 चम्मच इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है, और कीड़ों का अटैक ना हो इसके लिए 1 चम्मच सोडा मिलाया हुआ है, और 2 चम्मच मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट आता है, एप्सम सॉल्ट मैंने लिया हुआ है, वो 2 चम्मच लिया हुआ है। कोई भी साइट से आप इसको एप्सम सॉल्ट को खरीद सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें नीम की खली की 2 चम्मच मिला सकते हैं, गोबर की खाद मिला सकते हैं, और इस तरीके से आप इसका ये पेस्टिसाइड्स को बचाने के लिए ये सॉइल हम तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पॉट में आप देख रहे हैं आपको नीचे छेद दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद हम इसमें मिट्टी डालते हैं। जब ये गमलों में छोटे छोटे छेद होते हैं तो मैं इसमें कोई भी पत्थर नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो मिट्टी के थोड़े दिन बाद ही मिट्टी से वो ब्लॉकेज हो जाती है वैसे ही, तो पत्थर डालने की उसमें जरूरत नहीं है। उसके बाद हम ये अपना ये जो हमने सॉइल तैयार की है उसको हम डाल लेंगे। उसके बाद ये जो बीज हैं इनको आप लेंगे थोड़ा सा और इस तरीके से आप फैला दीजिए। जब भी आप कोई छोटी सीड्स लगाएंगे उनको आप इस तरीके से बस फैला देंगे और हल्का सा उनको कवर कर देंगे। मैं आपको ये पहले भी बताया हुआ है कि यदि कोई बड़ी सीड्स लगाते हैं तो उनको हम थोड़ा अंदर मिट्टी में दबाते हैं, और जब हल्की सीड होती है तो उनको हल्का सा ऊपर से इस तरीके से मिट्टी में दबा देते हैं। छोटी सीड्स को हम इस तरीके से मिट्टी में दबा देते हैं, और उसके बाद हम इसमें पानी का स्प्रे करेंगे। और पानी का स्प्रे हमेशा हम स्प्रे के इस तरीके से करेंगे, कभी भी प्रेशर से पानी नहीं डालेंगे, और इस तरीके से हल्के तरीके से स्प्रे करेंगे, और इसके बाद इसको हम शेड एरिया में रख देंगे। और जब प्लांट कुछ इस तरीके के निकलने लग जाए तो हम इनको ऐसी जगह पर रखेंगे जहां 2-3 घंटे की इनको धूप डेली मिलती रहे। और उसके बाद देखिए आपका चिली का प्लांट किस तरीके से बड़ा हो जाएगा। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।